नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम सब आए हैं रजा नर्सरी, जो कि कोतमा कॉलोनी में है। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे बहुत टाइप के प्लांट है। इंडोर प्लांट भी आपको मिलेगा, आउटडोर भी मिलेगा आपको। यहाँ पे हाइब्रिड प्लांट मिल जाएंगे और मेडिसिन वाले जो प्लांट होते हैं, ऑक्सीजन प्लांट होते हैं। तो चलिए हम आज आपको नर्सरी का विज़िट कराते हैं। उसके पहले हम आपको मिलाते हैं यहाँ के ओनर से, जो कि यहाँ के केयर टेकर हैं। हाय फ्रेंड्स, ये रजा नर्सरी का केयर टेकर हूँ मैं। और आप यहाँ पे सारे प्लांट, हाइब्रिड प्लांट, सीजनल फ्लावर, शो प्लांट, सारी चीज़ें हम यहाँ से अवेलेबल कराते हैं और सारे गार्डन डेवलप करते हैं। दोस्तों, ये हाइब्रिड हिबिस्कस है जो बहुत सारे कलर में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये बौने प्लांट होते हैं, छोटे प्रजाति के, और ये छोटे छोटे पॉट में भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बारहमासी प्लांट है तो साल में आप कभी भी इसको लगा सकते हैं। अगर आपके घर में या ऑफिस में कोई प्रोग्राम होता हो, छोटा या बड़ा प्रोग्राम, तो आप फूल और यहाँ से प्लांट रेंट पे ले सकते हैं। नर्सरी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे लैंडस्केप, टेरिस गार्डन और सभी प्रकार के छोटे बड़े गार्डन्स डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने घर के गार्डन के लिए वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत है, जिसको जैविक खाद भी कहते हैं, तो यहाँ पे अवेलेबल है, आप आके ले सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं। चाइनीज़ लेवेंडर कहलाता है, छोटा बूसी प्लांट होता है, पॉट में भी हो जाता है, कलर पत्तियाँ रहती हैं इसके। अच्छा अच्छा, तो ये इंडोर वाला है कि आउटडोर कहीं भी लगा सकते हैं? आउटडोर रहता है, सेंटेड प्लांट होता है, पत्तियों से अच्छी खुशबू रहती है इसकी। यार मोगरा कहते हैं, हाइड्रेंजिया, ये परमानेंट प्लांट है जो कि बारिश और इंडिंग गर्मी के टाइम पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। पौधा भी 5-6 फीट से ज़्यादा ऊँचा नहीं होता, छोटा ही रहता है। अपराजिता का पौधा है, जो कि ये बेल के रूप में लगता है और आप अपने घर के गार्डन पे इसको लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट है और शिवरात्रि के टाइम पे पूजा के रूप में उपयोग किया जाता है ये पौधा। दोस्तों, अगर आपके घर में स्पेस कम है और बालकनी में अगर आपको डेकोरेट करना है, तो आप ये जो हैंगिंग प्लांट है वो लगा सकते हैं आप अपने घर पे। बहुत अफोर्डेबल रेट में यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। देखिए, आपको पीपल के पौधे भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये देखिए, आपको यहाँ पे बरगद का भी दिखेगा और ये कदम का पौधा है, जो कि आप इसको आउटडोर लगा सकते हैं। इसके पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं और अभी कोविड की वजह से ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप पीपल के प्लांट अपने घर पर ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। साथ ही यहाँ पे आपको जो नर्सरी में जो प्लांट लगते हैं फॉरेस्ट वाले, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आपको इमारती लकड़ी होता है सागौन, शीशम का, जो कि यहाँ थोक के रेट में मिल जाते हैं। आसपास के गांव के जो भी किसान या फॉरेस्ट वाले होते हैं, वो यहाँ से आके लेके जाते हैं। तो अगर आपको भी अपने घर के लिए चाहिए या फिर अपने फॉरेस्ट या फिर नर्सरी के लिए, तो आप यहाँ से आकर के ले सकते हैं। ये लेमन ग्रास का प्लांट है, जो कि ग्रीन टी बोलते हैं, ये भी हर्बल प्लांट है, चाय के बना करके इसको यूज किया जाता है। ये फुलपकावली का प्लांट है, जो कि मेडिसिनल प्लांट है, इसके फूल में काफ़ी अच्छी खुशबू रहती है। दोस्तों, ये कोलियस प्लांट है, इसमें फूल नहीं आते हैं, लेकिन ये पत्तियाँ देखिए फूल से कम नहीं है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, कलरफुल भी है और ग्रीन के साथ आपको यहाँ पे डार्क पर्पल और पिंक साइड में भी देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। हाँ, बिगोनिया का प्लांट है, जो कि छोटा पॉट के लिए रहता है, छोटा पौधा बिल्कुल उसी रहेगा पॉट में, इंडोर सेमी सेट रख सकते हैं इसको। दोस्तों, ये पेंटास का पौधा है और ये बारहमासी प्लांट में आता है, लेकिन स्पेशली ठंडी के टाइम पे इसमें बहुत सारे फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। आप देखिए, यहाँ काफ़ी कलर के हैं, जैसे कि आपको पिंक कलर दिख रहा है, रेड हो गया,
पर्पल कलर का है और ग्रीन कलर के भी काफ़ी प्लांट मिल जाएंगे। दोस्तों ये हाइब्रिड वाला नींबू का प्लांट है, इसकी हाइट 8 से 10 फीट के आसपास होती है। अभी देखिए इसमें कितने सारे फल लगे हुए हैं। तो अगर आपका छोटा सा गार्डन है या फिर आपके पास गार्डन नहीं भी है तो भी आप टेरिस वगैरह पे इसको रख सकते हैं, बालकनी में भी बहुत आराम से आ जाएगा आपके। दोस्तों अभी ये वीडियो हम जून के सेकेंड वीक में शूट कर रहे हैं, इसलिए अभी आपको काफ़ी कम वैरायटी देखने को मिल रही है यहाँ पे। पर नर्सरी का जो सेकेंड वीडियो है वो अक्टूबर पे हम बनाएंगे, जिसमें आपको गुलाब के सारे जो भी प्रजातियाँ होती हैं, उसके जो टाइप्स होते हैं और भी अदर प्लांट्स हैं, उसकी सारी वैरायटी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो इसको फिलोडेंड्रान प्लांट भी कहते हैं। जैसे कि हम अपने घर पे मनी प्लांट लगाते हैं, वैसे ही सेम ये एयर प्योरीफाई का काम करता है। आप इसको इंडोर रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, पर इंडोर में ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और दूसरी बात कि ये हमेशा ग्रीन बना रहता है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ता पानी का। कल वे लभेर कहते हैं, इसके अंदर में गोंद होता है और इसकी फल और पत्तियों को लोग खाते हैं। आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। आपको अपने घर के लिए डिफरेंट वैरायटी और साइज़ के आर्टिफिशियल प्लांट और पॉट फ्लावर यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपके ज़रूरत के हिसाब के सारे सामान मिल जाएंगे। और ख़ास करके आपके फैमिली या फ्रेंड्स के स्पेशल डे के लिए आप यहाँ पे गिफ्ट पैक भी करा सकते हैं स्पेशल प्लांट को। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक से अपना बहुत ख्याल रखें।